इसको ये समझें कि रामायण में जो कथा है वो एक कृति में है। नहीं नहीं ये तो हल्की सोच हो जाएगी। ये ग्रंथ है, इसको कृति के रूप में नहीं मानना चाहिए। फिर है क्या ये? ये स्वयं परमात्मा की आकृति है लेकिन कृति के रूप में प्रकट हो गई है। बोलो भाई किस में प्रकट हुई है? कृति के रूप में प्रकट हुई है। जैसे तुलसी हरि प्रिया है लेकिन पौधे के रूप में प्रकट हो गई। बोलो भाई किस रूप में प्रकट हुई? पौधे के रूप में प्रकट हुई लेकिन है कौन तुलसी? जल्दी बोलो। हरि प्रिया है। अब हम उनको एक पौधा के रूप में स्वीकार करें तो यह हमारी बुद्धि की अल्पज्ञता होगी। साक्षात क्या है? तुलसी हरि प्रिया है। हरि प्रिया कहा गया है। अगर आप गाय को केवल पशु मान बैठे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। गाय पशु संस्कृति में पैदा हुई है लेकिन वो पशु नहीं है, वो क्या है? माता है। और सामान्य माता नहीं है, 33 करोड़ देवता निवास कर रहे हैं, उसको सामान्य नहीं समझना चाहिए। 33 करोड़ देवता सदा निवास कर रहे हैं गौ माता के रोम रोम में देवताओं का वास। आप कहोगे महाराज जी गाय माता है, तुलसी माता है, तो याद रखना शालिग्राम को पत्थर मत मानना, वो परम पिता है। क्या है वो? परम पिता है। मतलब परम में पूर्णता लग जाती है, इसके आगे और कुछ नहीं। जब परम में पूर्णता लग गई है तो आप कल्पना करें, विचार करें कि परम इसके आगे कोई है ही नहीं। आप अगर ये समझें कि ये तो साधारण पत्थर है, किसी नदी से निकला हुआ पत्थर है, भगवान कह दिया गया, अरे मैं तो कहता हूं कि उस पाषाण है। शालिग्राम भगवान की कभी प्रतिष्ठा हुई? जरा बता दो। कभी प्रतिष्ठा नहीं हुई। लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना आवश्यकता है इस बात की कि हम सब आस्था से जुड़े, गाय को कभी पशु न समझें, तुलसी को हरी घास न समझें, शालिग्राम को सामान्य रूप से पाषाण न समझें और सदगुरुदेव भगवान को हाड़ मांस का पुतला न समझें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपने इस प्रकार से अपने जीवन में ये भाव मान लिया तो निश्चित रूप से आप कुछ प्राप्त कर लेंगे इस जगत में, और एक दिन इतना प्राप्त कर लेंगे इस जगत में कि आप इंसान ही नहीं रहेंगे, आप सारी दुनिया में महान बन जाएंगे अगर आपकी श्रद्धा हो गई, इतना समर्पण हो गया। इसलिए व्यक्ति शरीर से महान नहीं होता है, विचारों से महान होता है। क्यों भाई? किससे महान होता है? विचारों से महान होता है। व्यक्ति कभी भी अगर अपने जीवन में अभिमान करता है तो निश्चित है वो महान नहीं होगा, अभिमान से तो उसका पतन होगा। लेकिन जिस दिन उसके जीवन में समर्पण की भावना आ जाएगी, निराभिमानता आ जाएगी, उसी दिन उसका महानता का स्वरूप समाज में प्रकट हो जाएगा कि ये महान है। इसलिए हम सबको चाहिए कि कथा का हम विशेष महत्व समझें, तुलसी का विशेष महत्व समझें, इस ग्रंथ को केवल ये ना माने कि ये कागज के पन्नों पर लिखी हुई एक पुस्तक है। अगर ये हमने मान लिया कि कागज के पन्नों पर लिखी हुई पुस्तक है तो हमारी बुद्धि की अल्पज्ञता मानी जाएगी। ये पुस्तक नहीं है,
ये तो विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए मस्तक है प्यारे। अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया, इसके विचारों को अपने मन मस्तिष्क में उतार लिया, तो हमारी हर समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा ये ग्रंथ है, इसलिए इसके प्रति श्रद्धा हो। भगवान शिव ने कहा कि मेरे हृदय में तो कथा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब जब सुनने वाला जिज्ञासु नहीं है, प्रकट नहीं कर रहा कोई इच्छा, तो मैं सुनाऊंगा नहीं। अब सती जी तो हैं, लेकिन सती जी जिज्ञासा प्रकट नहीं कर रही है कि मुझे कथा सुनाओ। सती जी हैं, पास में रहती हैं, लेकिन वो जिज्ञासा प्रकट ही नहीं कर रही कि मुझे कथा सुनाओ। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि अब मुझे कथा सुनने के लिए स्वयं जाना चाहिए। अगर मैं सुना नहीं पा रहा हूं तो सुन तो सकता हूं। सुनाने वाले को तो जब तक बुलाया नहीं जाएगा तब तक वो जाएगा नहीं, लेकिन सुनने वाला तो सुन ले कि कथा वहां हो रही है, तो वो यही सोचता है कि निमंत्रण की जरूरत नहीं है, कथा हो रही है, मैं तो जाऊंगा, सुनने के लिए जाऊंगा। ये सुनने वाले की भावना रहती है। आपको मालूम है एक आश्रम है समुद्र के किनारे, दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे एक आश्रम है। उस आश्रम में कुंभज ऋषि रहते हैं। कौन रहते हैं? कुंभज ऋषि। वहां करते क्या है उस आश्रम में? वो साधना करते हैं। साधना के साथ साथ क्या करते हैं? बोले सत्संग करते हैं। आश्रमों में यही परंपरा होनी चाहिए, साधना और सत्संग, साधना और सत्संग। ये अयोध्या धाम आश्रम की विशेषता यही है, साधना होती है। स्वयं में अयोध्या दास जी महाराज साधक हैं, तपस्वी हैं, और ये तप का ही ये प्रभाव है कि आप देख रहे हो आश्रम क्या। ये तो निर्जन बन था एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पर एक आश्रम बन गया है, और बड़ा सुंदर आश्रम बन गया है। वो आश्रम के नियम देखो लिखे हुए हैं, आश्रम के यही नियम होना चाहिए। धूम्रपान करना निषेध है, देखो ये आश्रम के नियम हम पढ़ रहे हैं। धूम्रपान करना निषेध है, शराब पीकर आना सख्त मना है, और लिखा है आश्रम की साफ सफाई बनाए रखें, आश्रम के पेड़ पौधों को हानि ना पहुंचाएं, आश्रम की शांति भंग ना करें। क्या बात है, देखिए ये नियम, यही नियम होते हैं आश्रम। ये एक साधना है। अगर हम दुर्गुणों से दूर हैं तो ईमानदारी से बताओ ये साधना नहीं है तो क्या है? या मेरे पास कोई आए तो दुर्गुण लेकर के ना आवे, यह चेतावनी, वरना मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। यदि आ रहे हो तो दुर्गुणों का त्याग करके आओ, यदि दुर्गुणों को लेकर के आ रहे हो तो आने की आवश्यकता नहीं है। कथा यही तो बता रही है, जो नियम लिखे हैं आश्रम में यही तो कथा बता रही है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं सुन तो सकता हूं, श्रोता बन के तो जा सकता हूं, तो कथा हो कहां रही थी? भगवान शंकर आश्रम में गए कथा सुनने के लिए। बोलो गए कि नहीं गए? कहां गए? आश्रम में गए। अच्छा, कैलाश से बड़ा आश्रम किसका हो सकता है ये बताओ? कैलाश से बड़ा आश्रम, यदि आश्रम नहीं होता फिर आश्रम में जाते तो माना जाता कि आश्रम नहीं था इसलिए आश्रम में जाना पड़ा। कैलाश जैसा आश्रम भगवान शिव का है, उससे बड़ा आश्रम कोई हो नहीं सकता है। लेकिन प्यारे, उस आश्रम को छोड़ के जो सबसे बड़ा आश्रम कैलाश, जहां शिव ने तपस्या की है, उस तपस्थली को छोड़ करके कुंभज के आश्रम में जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। सुनाने जा रहे हैं कि सुनने के लिए जा रहे हैं? बोलो। अरे बड़े बड़े महात्मा बड़े से बड़ा आश्रम छोड़कर जा सकते हैं, छोटी सी जगह में भी जा सकते हैं, बुलाया जाए तब। किसके लिए जा सकते हैं? बोले कथा कहने जा रहा हूं। क्या कहने जा रहा हूं? कथा कहने जा रहा हूं। लेकिन भगवान शंकर अपना विशाल आश्रम छोड़कर एक छोटे से आश्रम में गए हैं कथा सुनाने के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए गए हैं। ये है कथा के प्रति श्रद्धा, ये कथा के प्रति समर्पण है। सती जी बैठी हुई हैं, भगवान शंकर कहते हैं सती
मैं जा रहा हूं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी तैयार हो जाओ। सती जी ने कहा पहले ये बताओ आप कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। सती जी ने कहा कि आपको सुनाने वाला कौन पैदा हो गया दुनिया में जो आपको कथा सुना रहा है, आप जैसे विद्वान को कौन हिम्मत कर रहा है कथा सुनाने की, बोलती बंद हो जाएगी, आपसे बड़ा कोई विद्वान नहीं संसार में। भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही ज्ञान दिया है कि हमेशा सुनाना चाहिए, किसी की कथा सुननी नहीं चाहिए। विद्वान होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हमेशा सुनाते रहो, सुनना भी चाहिए। क्यों भाई, विद्वान होने का अर्थ ये नहीं है कि हम इतने बड़े विद्वान बन गए कि हमें कोई ना सुना सकता है ना हम किसी की सुन सकते हैं, हमारी ही सुने, गलत ये सोच ही नहीं होनी चाहिए। हमेशा कथा सुनने का जिज्ञासु होना चाहिए। कथा अगर कहीं भी हो रही हो वहां सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए, कथा का श्रोता बनना चाहिए, वक्ता होने के पहले उसे कथा का श्रोता होना चाहिए, तभी वो वक्ता है। यदि वो श्रोता नहीं है तो वो वक्ता नहीं है। इसलिए मैं श्रोता हूं और कथा हो रही है कुंभज के आश्रम में, इसलिए मैं जा रहा हूं, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ चलो। सती जी ने जैसे ही ये सुना और बार बार भगवान शिव ने सचेत किया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो, तो सती जी कहती हैं हमारी इच्छा तो नहीं है और हमारी इच्छा ये भी नहीं है कि आप जावे, लेकिन हम जानती हैं कि आप मानने वाले नहीं हैं, हम रोकेंगे भी तो आप नहीं मानने वाले हो। मैं एक बात कहता हूं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर कथा हो रही है पति रोके पत्नी को तो पत्नी को तुरंत कह देना चाहिए तुमको चलना हो तो चलो, लेकिन हम मानने वाली नहीं, हम कथा सुनने जाएंगे, कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। और पत्नी अगर पति को रोके कि कहाँ जा रहे हो मत जाओ, तो पति को कहना चाहिए हम कथा सुनने जा रहे हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, वरना हम तुम्हारी मानने वाले नहीं, हम तो कथा सुनने जाएंगे। तो कथा सुनने में एतावता अर्थात दोनों की रुचि होना चाहिए, पति पत्नी और परिवार सबकी रुचि होना चाहिए कथा सुनने के लिए, न तो मना करना चाहिए, और कथा हो रही हो तो चाहे जैसी व्यस्तता क्यों ना हो उस काम काज को थोड़े समय के लिए रोक देना चाहिए, लेकिन कथा सुनना अनिवार्य है। काम तो लगे ही रहेंगे, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, इसलिए जिंदगी में फुर्सत तो मिल ही नहीं सकती है प्यारे, कथा के लिए समय निकालो, चाहे जितनी व्यस्तता तुम्हारे जीवन में क्यों ना हो लेकिन कथा में अवश्य आओ, समय निकालो कथा के लिए। कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथा तो विश्वनाथ जी ने भी सुनी, बोलो सुनी है कि नहीं, विश्वनाथ जी भी कथा सुन रहे हैं, कथा तो अयोध्या नाथ भी सुन रहे हैं, विश्वनाथ ही नहीं अयोध्या नाथ। वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही नहीं राम जदपि सब जान, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुनहि राम जदपि सब जाने, राम जी सब कुछ जानते हैं अयोध्या नाथ हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कथा सुना रहे हैं तो श्रोता बन करके बोलो राम जी सुनने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये प्रमाण है। तो भगवान शंकर ही श्रोता नहीं है, भगवान राम भी श्रोता है, ये जिज्ञासा है। और मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको ज्ञान दूर भी कहीं मिल रहा हो तो उसमें दूरी मत देखो और न देरी करो, तुरंत जाओ लेने के लिए। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन ज्ञान लेने के लिए कहां गए, उज्जैन। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ लेकिन ज्ञान लेने के लिए कहां गए, जल्दी बोलो, संदीपन ऋषि के आश्रम में गए, बोलो गए कि नहीं गए। अब मथुरा से दूरी कितनी है उज्जैन की, आज आप कल्पना कर लीजिए,
कितनी दूरी है, नेट का जमाना है, चाहे कोई निकाल सकता कितने किलोमीटर है, सोचो जरा। जन्म मथुरा में हुआ, स्वयं ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा है, मथुरा में जन्म हुआ है, लेकिन ज्ञान लेने के लिए आश्रम कितना दूर है, वो जैन में संदीपन ऋषि का आश्रम है, लेकिन ज्ञान लेने के लिए वहां गए। बोलो गए कि नहीं गए। मैं एक बात और कह रहा हूं, भागवत की कथा सुनते हो आप सब। सुदामा का जन्म पोरबंदर में हुआ, गुजरात में हुआ ना, सुदामा का जन्म पोरबंदर में हुआ, गुजरात में ही तो है पोरबंदर, समुद्र के किनारे है पोरबंदर। अब आप सोचिए कि सुदामा का जन्म पोरबंदर में हुआ, लेकिन ज्ञान लेने के लिए सुदामा उज्जैन आया, आया कि नहीं आया। मैं एक बात कहता हूं, भगवान कृष्ण के पास तो साधन है, लेकिन सुदामा तो विपन्न घर में पैदा हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं। उसके पास तो साधन नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान लेने के लिए दूरी नहीं देख रहा, ना देरी कर रहा है, पोरबंदर से चल के आता है उज्जैन में, ज्ञान प्राप्त करता है, एक आश्रम में रहता है, वहीं पर कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र बन जाते हैं। बोलो बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सत्संग और खास तौर से आश्रमों का सत्संग, सत्संग तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन धाम का सत्संग और आश्रम का सत्संग, इसका मतलब क्या है? ये आश्रम का सत्संग जीव और ब्रह्म ये दोनों की मित्रता करा देता है, ये प्रभाव है। इसलिए सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र बन गए। बोलो जीव और ब्रह्म दोनों मित्र बन गए। इस मित्रता के मूल में कौन है? बोले आश्रम है। बोलो है आश्रम की नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आश्रम में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, आश्रम में आकर सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। और एक बात बताएं, एक भाव और होना चाहिए कि आश्रम में हम सत्संग सुनने जाएं, आश्रम में हम ज्ञान प्राप्त करने जाएं, तो ज्ञान लेने के भाव से जाएं और सेवा देने के भाव से जाएं, कि हमें ज्ञान लेना है और आश्रम में जाके सेवा देनी है। बोलो कृष्ण और सुदामा दोनों ने सेवा की कि नहीं की? आश्रम की सेवा की कि नहीं की? भागवत में तो सुनते ही हो, हैं? भगवान भी सेवा कर रहा है। जब भगवान सेवा का भाव लेकर के आश्रम में रह रहा है, आश्रम में जा रहा है, ज्ञान अर्जन कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो ईमानदारी से बताओ, इंसान को प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कि हम आश्रम में जाएं तो केवल हम अतिथि बन के ना रह जाएं, आश्रम में जाएं तो आश्रम का अर्थ है आइए और श्रम करिए, आइए और श्रम करिए। लेकिन आजकल लोगों ने आश्रम का अर्थ लगा लिया कि आइए और भोजन करिए और विश्राम करिए। क्यों भाई, यही अर्थ लगा लिया कि नहीं? आइए और भोजन करिए और विश्राम, उल्टा अर्थ लगा लिया। पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई लोगों की। आइए और पहले श्रम करिए और फिर इसके बाद में जो ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाए उसको ग्रहण करिए, ये अर्थ है। भगवान कृष्ण ने और श्री सुदामा जी ने यही तो किया है प्यारे। इसलिए कृष्ण सुदामा कौन नहीं जानता है संसार में, न जाने कितने बार महाप्रलय हुआ, लेकिन कृष्ण और सुदामा अमर हैं। बोलो है कि नहीं? अरे भाई, परमात्मा तो परमात्मा ही है, उसका अस्तित्व तो सदा संसार में रहता ही है, चाहे महाप्रलय क्यों ना हो जाए। महाप्रलय में भी बटस पत्रस पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, लेकिन सुदामा का भी इतिहास अमर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया कि नहीं हो गया? सुदामा का इतिहास अमर हो गया प्यारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आश्रम का बड़ा महत्व है, आश्रम की बड़ी महिमा है। भगवान शंकर ने कहा, जब आश्रम में कथा हो रही है, भले ही कैलाश से दूर है, लेकिन सत्संग हो रहा, कथा हो रही है, इसलिए मैं कथा सुनने जरूर जाऊंगा। सती जी ने कहा कि आप जा रहे हैं, हाँ मैं तो जाऊंगा, तुझे चलना हो तो चल, नहीं मैं तेरे रोकने से रुकने वाला नहीं, मैं तो जाऊंगा। सती जी ने कहा कि मैं भी चल रही हूं, मैं भी। अच्छा एक बात बताओ,
जब पति पत्नी दोनों रहते हैं, अगर पति जा रहा है तो पत्नी किसके सहारे रहे, अगर बाल बच्चे हो तो बाल बच्चों के सहारे तो रह सकती है वो, बोलो रह सकती है कि नहीं, और जब बाल बच्चे हैं ही नहीं तो किसके सहारे रहे, और वो भी पहाड़ पे, क्यों भाई पहाड़ के ऊपर पर्वत के ऊपर, तो पति ही तो सहारा होता है, क्यों होता है कि नहीं होता है। इसलिए सती ने सोचा कि जब पति ही जा रहा है और भोले बाबा है, बाल बच्चे यहाँ है नहीं, कोई इधर उधर देखने देखने वाला कुछ है नहीं, अब मैं अकेली रह जाऊंगी, वो ये भोले बाबा हैं और सत्संग के इतने प्रेमी हैं, कहो सत्संग में बैठ गए और रम गए तो कहो लौट ही के ना आवे हैं, तो लौट, इसलिए इनका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। अब हमारी इच्छा तो नहीं है आश्रम में जाने की ना कथा सुनने की, लेकिन क्या करें, पति हैं तो अब जाना ही जाना है, क्योंकि मुझे कोई संभालने वाला ही नहीं है, संतान तो हुई नहीं थी, क्यों भाई, केवल भगवान शिव और सती दोनों ही। सती ने कहा कि नहीं नहीं मैं चल रही हूँ चल रही हूँ चल रही चल रही हूँ, सती चल दी। लेकिन सती की श्रद्धा आश्रम के प्रति नहीं है, कथा के प्रति नहीं है, सती केवल ये देखने के लिए जा रही है कि आखिर कौन सा आश्रम है और कौन सा महात्मा है, देखूं तो चल के, कौन सा आश्रम कौन सा महात्मा जरा देखूं, ये देखने के भाव से सती जा रही है। गोस्वामी जी लिख रहे एक बार त्रेता शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जान संग सती जग जननी भवानी। बोले साथ में सती जी जा रही है, बोले ये कौन है सती, का जगत जननी है, देखो पूरा जगत इनका सम्मान इसलिए कर रहा है क्योंकि ये भगवान शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन शिव जी के विचारों से अगर जुड़ी रहेंगी तो सम्मान सुरक्षित रहेगा, और यदि शिव जी के विचारों से दूरियां बना करके चलेंगी तो सम्मान घट जाएगा। इस बात को सुन लो समझ लो, अरे कोई भी हो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन अगर भगवान से जुड़ा रहेगा तो सम्मान सुरक्षित रहेगा, और यदि ज्ञानी व्यक्ति भगवान से दूर हो जाए तो उसका अभिमान हो जाए, उसमें अभिमान आ जाएगा, और यदि उसमें अभिमान आ गया तो प्यारे इस बात को सुन लेना समझ लेना ध्यान से, अभिमान यदि आ गया तो निश्चित रूप से वो दुनिया में अपमान भी उसको झेलना पड़ेगा, अपमान भी मिलेगा और भगवान भी चला जाएगा, और साथ ही साथ उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान से सदा जुड़ा रहना चाहिए। सती जी को अपमान सहना पड़ा, सती जी को भगवान से दूर रहना पड़ा, भगवान शिव से दूर रहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, और यहां तक कि प्राण भी गमाना पड़ा। बोलो भाई हानि ही हानि के अलावा कुछ लाभ हुआ, हानि ही हानि होती गई। अब आप देखें प्रमाण दे रहा हूं, संग सती जग जननी भवानी, सती जी को लेकर के भगवान शिव चल रहे हैं, सती जी के मन में श्रद्धा नहीं है सत्संग के प्रति आश्रम के प्रति, सती जी तो ये देखने जा रही हैं कि कौन सा आश्रम है कौन सा महात्मा है कितना प्रभाव है। और जिस समय भगवान शिव पहुंचे कुंभज के आश्रम में तो हजारों संत बैठे थे कथा सुन रहे थे, भक्त भी बैठे थे कथा सुन रहे थे। भगवान शंकर ने कहा सती देखिए आश्रम है कितना सुंदर लग रहा है, आश्रम का निर्माण